नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी बात हो तो चीनी को हमेशा ही खलनायक की तरह देखा जाता है, लेकिन कई तरीकों से ये फायदेमंद भी होती है। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि चीनी खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए चीनी जरूरी भी उतनी ही है। इसके अपने फायदे हैं जिनको निश्चित तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आज के इस पैकेज में हम आपको चीनी के कुछ फायदों के बारे में ही बताने वाले हैं। चीनी से तुरंत ताकत मिलती है। अगर तुरंत ऊर्जा की जरूरत हो तो चीनी से बेहतर कुछ भी नहीं। खून में पहुंचकर चीनी ग्लूकोज में बदल जाती है, जो चीनी का सरलतम रूप होता है। इसके बाद कोशिकाएं ग्लूकोज को अवशोषित कर लेती हैं और ऊर्जा का संचार करती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कई खिलाड़ी तुरंत थकान मिटाने के लिए अपने साथ शुगर क्यूब्स रखते हैं। चीनी लो ब्लड प्रेशर में भी फायदेमंद है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उन्हें अपने साथ शुगर क्यूब्स रखने की सलाह दी जाती है। इसे खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आपको ब्लैकआउट, चलते चलते आँखों के आगे अंधेरा छाने की समस्या है, तो इसमें चीनी मददगार साबित हो सकती है। हमारा दिमाग बिना शुगर के काम ही नहीं कर सकता। जब दिमाग को शुगर सप्लाई बंद हो जाती है तो ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि दिमाग को सक्रिय रखने के लिए चीनी बहुत जरूरी है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी शुगर बहुत मददगार साबित होती है। आपने जरूर सुना होगा कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को अपने पास चॉकलेट्स रखनी चाहिए, इससे मूड अच्छा होता है। इसमें मौजूद मिठास तुरंत उदासी दूर करती है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन छोटी मोटी चोट पर चीनी लगाना फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा शुगर त्वचा के लिए एक बहुत अच्छा स्क्रब भी है। ये त्वचा के डेड सेल्स को सौम्यता से हटाकर चमक देती है। दोस्तों, ज्यादा मात्रा में चीनी खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नियमित मात्रा में चीनी का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। तो हमारी बताई हुई इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।